पंजाब मिल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। हरविंदर सिंह रिंदा वो शख्स जो गैंगस्टर तो दहशतगर्द बनया, सरहद पार जाके उसने भारत के खिलाफ रचिया अणगिणत साजिशा। रिंदा का आतंकनामा बहुत लंबा है, पर हुण खास खबर ये कि पाकिस्तान दे विच मारिया गया भारत का दुश्मन हरविंदर सिंह रिंदा। इस सवाल का जवाब दे रही है साड़ी एक खास रिपोर्ट कि पाकिस्तान च मारिया गया गैंगस्टर रिंदा, अस्पताल च ओवरडोज दे नाल मौत दा खदशा। भारत दे दुश्मन गैंगस्टर तो दहशतगर्द बने हरविंदर रिंदा दा की हो गया है? ए सवाल इसलिए क्योंकि खबर है कि अस्पताल च ओवरडोज दे नाल उसकी मौत हो गई है। हुण असीं इह गल कह सकदे हां कि साडे सोर्सिस इह कह रहे हैं कि हरविंदर सिंह रिंदा लाहौर च मारिया गया। इहदे बारे साडे सोर्सिस इह कहंदे हैं कि पिछले हफ्ते शनिवार एतवार नूं हरविंदर सिंह रिंडा नूं कोई किडनी दी प्रॉब्लम सीगी, उहदे करके उहनूं हॉस्पिटलाइज करवाया गया। और किडनी दी प्रॉब्लम दे चलदे जदों हॉस्पिटल च सी तां उहदी उत्थे ओवरडोज नाल मौत होई, यानी उहनूं कुछ ऐसा इंजेक्शन दिता गया जिहदे तों बाद उह रिकवर नहीं कर पाया। आखिरी बार जिहड़ा उहदे नाल कोई साडा सोर्स संपर्क च आया सी, उह इह मन्निया जांदा है कि सोमवार या मंगलवार नूं संपर्क च आया, और सोमवार और मंगलवार दे विच एक वारी उहने गल कीती उस सोर्स नाल, और उस तों बाद उहने इह कहा कि मैं शायद हुण अवेलेबल नहीं होऊंगा, थोड़ा बिजी हाँ, मैं बाद च गल करांगा। लेकिन वड्डा सवाल इह है कि उस तों बाद हरविंदर रिंडा दी किसे नाल गल नहीं हुंदी है। और टॉप जो सोर्सिज है साडे, चाहे वो हाई लेवल दे होन, चाहे तुसी ये मान लो कि गैंगस्टर्स दे अंदर जिहड़ी ये खबर है वो पहुंच चुकी है, ये सूचना मिल रही है कि कैनेडा तो लैके अमेरिका तक ये खबर पक्की हो चुकी है कि हरविंदर सिंह रिंडा दी लाहौर च मौत हो गई है। जदों हरविंदर रिंडा नू किडनी दी ट्रीटमेंट लई एडमिट करवाया गया, उस तो बाद ओवरडोज किने दित्ती, क्यों हुई, किदां ये मौत हुई, कौन लोग इस मौत दे जिम्मेवार या मौत देने दे पिछे है, ए सीधा इशारा आईएसआई वल जांदा है। क्यों रिंदा उही दहशतगर्द है जो वार वार पाकिस्तान च बैठ के भारत नूं दहलाउण दीआं साजिशां रचदा है। रिंदा दा आतंकनामा बड़ा लंबा है, मूल रूप तो पंजाब दे तरनतारन दा रहण वाला है, गैंगस्टर तो दहशतगर्द बनया है। मुद्दत पहला उसका परिवार पंजाब तो नासिक गया सी, नासिक च गैंगस्टरां तो कतल ते लुट करवांदा सी, आईएसआई दा पिट्ठू बन के लाहौर रह रिहा सी रिंदा। आईएसआई रिंदा नूं दहशतगर्दी लई वरतदी सी। रिंदा ते भारत च 20 तों वध मामले दर्ज ने, बॉर्डर पार तो ड्रोन दे राही हथियार भेजदा रिहा। लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट च वांटेड है, मोहाली आरपीजी अटैक च वांटेड है रिंदा, करनाल आरडीएक्स बरामदगी दा साजिश करता है, गैंगस्टरां नाल मिल के वारदातां करदा है रिंदा। चंडीगढ़ ते पंजाब च गैंगस्टर रहा, कतल फिरौती लुट दे कई केस च ओ वांटेड है। चंडीगढ़ दी पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच फायरिंग भी कीती सी। रिंदा दी महिला मित्र भी लाहौर चली गई सी। अमृतसर दी रहण वाली है रिंदा दी गर्लफ्रेंड। उदी जिंदगी शुरू होई सी तरन तारण तो, तरन तारण तो महाराष्ट्र दे नासिक च गया, नासिक च जाके उन्हें जुर्म दी दुनिया च पैर रख्या, और उत्थों वो गैंगस्टर बनया, गैंगस्टर बन के वो चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी च स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करना शुरू किया, उत्थों उन्हें फायरिंग और हथियार चलाने का काम शुरू किया। उस तो बाद पंजाब च लगभग 20 वारदातों जिहदा नाम आया, चाहे वह सरपंच का शरेआम सैक्टर 38 च गोलियां मार के कतल किया गया होवे, या फिर पंजाब च एक सरपंच और उसकी फैमिली नूं रोपड़ च कतल किया गया होवे, फिरौती लुट गड्डियां दी खोदियां, ना जाने किन्नियां वारदातों च रिंडे का नाम आया। लेकिन हरविंदर रिंडा देश लई खतरा कदों बनिया? जदों आईएसआई ने हरविंदर सिंह रिंडा नूं जान बचाण दा भरोसा दे के उन्हूं लाहौर शिफ्ट करता। इन्ना ही नहीं, उहदी गर्लफ्रेंड सी अमृतसर दी, एक नर्स कुड़ी सीगी, उन्हूं भी आईएसआई ने लाहौर च शिफ्ट किया, और उस तो बाद आईएसआई हरविंदर सिंह रिंडा नूं वरतण लग गई। रिंदा लंबे वेले तो भारतीय एजेंसियां लई सरदर्दी सी क्योंकि आईएसआई दे इशारे ते ओह पंजाब अते भारत नूं दहलाउण दे लई साजिशां करदा, उन्हां नूं अंजाम तक पहुंचाउण दे लई गैंगस्टरां ते दहशतगर्दां नूं इकट्ठा करदा रिहा। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਛੋੜ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਹੱਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮਾਨ ਵਰਸਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।
सरकार भी टस तो मस्त नहीं हुई, किसान भी डटे हुए ने, हालांकि लोग परेशान ने। ते हुण मान दे मंत्री ने भी मान वर्गा ही बयान दे दिता है, किसानां दे सिर ठीकरा भन्निया पंजाब दे विच निवेश ना आउण दा, तां उधर विरोधियां नूं भी चंगा मौका मिल गया किसानां बहाने सरकार नूं घेरन दा। यह जो धरने वाला काम है ना जी, यह बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी पंजाब दे विचों आणो ग्रेज कर रही है कि जिते तक धरने लगे रहते हैं हर टाइम। तुम भी इन्होंने धरने इन्होंने मुजाहरिया इन्होंने लड़ाइया इन्होंने अंदोलना चो निकल के आई एक पार्टी हो, थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम फिर कहदे आज अन्ना हज़ार से केजरीवाल कहदे आज बैठा से उत्ते। किसी किसान कोई शौक नहीं है एजिटेशन करन दा गर्मियां ते सर्दियां च बरसातां दे विच। ये भी हाँ असी पंजाब दे लोकां दी ते सरकार दी बाह मरोड़ के धरने ला के लोकां नूं तंग परेशान करके असी आप दी कोई नजायज गलत गल्लां भी मना लांगे, वो तो नहीं होना हैगा। वर्डिंग यूज की जा रही है सरकार वल्लों तां इन्हे हालातां दे विच सानूं जरूर मतलब सरकार नूं कुछ सबक सिखाउण दी लोड़ है। सरकार ने किसानां दे नूं एक तरह नाल बेइज्जत कीता है, किसानों नूं बहुत माड़े शब्द बोले गए आम आदमी पार्टी दे लीडरशिप वालों। मान ते उन्हां दे मंत्री किसानां ते इल्जाम ला रहे ने, तागों किसान भी सरकार नूं सबक सिखाउण दे रोच ने। किसान डटे ने, सरकार अड़ी है ते लोग परेशान ने। मुख्यमंत्री मान तो बाद हुण मान दे मंत्री ने भी पंजाब च इन्वेस्टमेंट ना आउण दा ठीकरा किसानां दे सिर भन्न दित्ता है, पर किसान भी अगों सरकार ते लोहे लाखे ने। किसान 16 नवंबर तो पंजाब दीआं 6 वख-वख थावां ते धरने ते बैठे ने। सरकार वल्लों गल ना सुणे जाण दे विरोध वजों शनिचरवार नूं किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल मरन वरत ते बैठ गए ने, पर सरकार टस तो मस नहीं हुई, पर किसान भी पिछे हटन नूं तैयार नहीं ने। मैक्सिमम गल्लां ने जिहड़ियां ओह उहनां दीआं मन्नियां जा चुक्कियां ने, होर वी ने जिहड़ियां ओह मन्नियां जाणगीआं जिहड़ीआं जायज़ होणगीआं। पर जे आपां कहीए वी हाँ असीं पंजाब दे लोकां दी ते सरकार दी बाह मरोड़ के धरने ला के लोकां नूं तंग परेशान करके असीं आप दीआं कोई नजायज़ गलत गल्लां भी मना लांगे, वह तो नहीं होना है। कि यह जो धरने वाला काम है ना जी, यह बिल्कुल बंद होना चाहिए तिन्ह धरनों के नाल। हुण अल्टीमेटली नुकसान देखो किन्ना हो रहा है, जिनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी पंजाब दे विचों आणो ग्रेज कर रही है कि जे इत्थे तां धरने लगे रहिंदे ने हर टाइम। इहो जी वर्डिंग यूज की जा रही है सरकार वल्लों तां इन्हे हालातां दे विच सानूं जरूर मतलब सरकार नूं कुछ सबक सिखाउण दी लोड़ है। सरकार ने किसानां दे नूं एक तरह नाल बेइज्जत कीता है, किसानां नूं बहुत माड़े शब्द बोले गए आम आदमी पार्टी दे लीडरशिप वल्लों। इत्थे असीं मरन वरत शुरू कीता और उस मरन वरत ते असीं बैठे हाँ। तुसी भी इन्हां धरनिआं इन्हां मुजाहरिआं इन्हां लड़ाइयां इन्हां अंदोलनां चों निकल के आई एक पार्टी हो, तुहानूं सोचना चाहीदा है कि तुसी फिर कहदे आज तुहाडा अन्ना हज़ारे ते तुहाडा केजरीवाल कहदे वास्ते बैठा सी उत्ते। इह रिवाज वास्ते बैठा सी मैं, लेकिन तुहाडा ते साडा फिर भी जमीन समान दा फर्क रहेगा। तुसी सत्ता वास्ते बैठे सी, लेकिन असीं लोकां दे हक्कां लई ते मुद्दिआं दे उत्ते बैठे हाँ। एक गल मैं पुछना चाहुंदा कि तेरे कोले यार सारा तंत्र तेरे कोले है, मुख्यमंत्री कोले सारा प्रशासन सारा सिस्टम तेरे कोले है, साडी एक एक गल दी जांच करवा खां। मान ते मान दे मंत्रियों दे रवैये ते किसानां दे नाल नाल विरोधी धिरां भी हमलावर ने, सरकार नूं किसानां दे मसले गिणवा के घेर रहीआं ने। किसे किसान नूं कोई शौक नहीं है एजिटेशन करन दा गर्मियां ते सर्दियां च बरसातां दे विच धुप्पां दे विच बाहर बहन दा, किसी को ना इन्ना वक्त है ना किसी को इन्नी एनर्जी है। तुसी ये गल कही है दा कारण की सी कि जिन्हें भी पिछले दिनों विच कीते गए किसानां नाल वादे सी उन्हां नूं जे असी क्लोजली स्टडी करिए ते बकायदा तौर उहदे विच किसानां नूं उहनां दा जिहड़ा हक सी तुहाडी सरकार देण दे विच कंप्लीटली फेल होई। किसानां दे बहाने विरोधियों नूं मान अते केजरीवाल सरकार नूं घेरन दा चंगा मौका मिल गया, इसलिए केजरीवाल दे पुराने वादे भी चेते करवाए जा रहे ने। पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अनु याद होएगा केजरीवाल साहब की यह गल कहनी
कि जिदन मेरी सरकार आ गई पंजाब च अप्रैल दे महीने तो जे एक भी खुदकशी होगी मैं जिम्मेवार हूं। अज तकरीबन 200 किसानां दियां पिछले 8 महीने च खुदकशियां हो गई हैं। कोई इन्हां दा मिनिस्टर कोई इन्हां दा एमएलए उन्हां दे घरां विच नहीं गया, कोई कंपनसेशन नहीं दित्ती गई। आखिर किसानां अते सरकार दरमियान पेच फसिया क्यों है? केड़ियां मंगां ने जिन्हां लई किसान धरने ते ने? तो उन्हां दे विच सब तो पहली मंग है कि गुलाबी सुंडी अते मीह नाल खराब होई फसल दा मुआवजा दिता जाए, भारतमाला प्रोजेक्ट तहत एक्वायर जमीना दा सही मुआवजा मिले, दिल्ली अंदोलन च शहीद किसानां दे परिवारां नूं मुआवजा मिले, जुमला मुश्तरका जमीना दे काश्त करन वाले किसानां नूं मालकी हक दित्ते जाण, शुगर मिलां समय सिर चलाउण दी मंग है। हालांकि मान सरकार ने कह दिता है कि शुगर मिलां 20 नवंबर तो शुरू हो जाणगियां, पर किसानी मसलियां ते धरनियां दे मामले च मान सरकार नूं चौतरफा घेरा पै गया। हुण सवाल मान सरकार तो भी है ते किसानां तो भी, कि आखिर सरकार वेले सिर किसानां दे मसले क्यों नहीं नजिठदी? ओह आए दिन सड़कां ते क्यों आउंदे ने? तो उधर सवाल किसानां नूं भी है कि आखिर इन्हां धरनियां करके लोकां नूं हुंदी परेशानी लई किस नूं जिम्मेवार ठहराया जाए? किसानां दे मसले ते घिरी हुई है सरकार, तां लॉ एंड ऑर्डर दे मसले ते भी सरकार तो पुछे जा रहे ने सवाल। पूरी खबर ब्रेक दस पार। ਬਠਿੰਡਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਤਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੇਆਮ ਠਾਠਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਛੱਡੋ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਪਨਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਠਾ ਠਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਰਸਨਲ ਐਨਮਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਲੇਡੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਮੀ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਫੁਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭੈ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਡੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ। ਵੈਸੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ।
आंकड़े के सहारे मान सरकार ने इल्जाम नकारे सन। मान सरकार ने खुद ते हुंदी सवालों की वाछड़ तो बचन दे लई गुआंढियां नूं लपेटे च लै लिया सी। अंकड़े कुछ भी कहन पर जान एक जाए या वद सवाल सरकार तो होवे गई कि आखिर एक इहो जी स्थिति है जिथे लोकां च पैदा माहौल पैदा हो रहा है ते गुंडे बेखौफ हो रहे ने। लोकां दे व्याह च वड़ के गुंडे गोलियां चला दिंदे ने, बस स्टैंड ते कतल हो जांदा है, पुलिस ते गोलियां चलदियां ने, सरेआम आए शूटर गोलियां मार के अपना किता कर रहे एक शख्स की जान लै लैंदे ने। बेशक होर सूबियां च पंजाब नालों वध अपराध होण पर पंजाब च हर कुछ दिन बाद डुलदे खून ते अंकड़ियां दा पर्दा पास स्थिति लुकोई नहीं जा सकती। विवादित टिप्पणी करन वाले शिवसेना दे लीडर नूं गिरफ्तार कर लिया गया। हरविंदर सोनी नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेजा गया पर मान सरकार ते सवालां दी वाछड़ रुकण दा नाम नहीं लै रही। विरोधी पुछ रहे ने कि आखिर कारवाई च इन्नी देरी क्यों, क्यों नहीं सरकार उन्होंने जेल के बंद कर दी। इतनी पूरी की पूरी कौम को खत्म करने की जी चुनौती दी गई है कि उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा जा रहा। जथेबंदियों धरने लाने पे महाधरने तो बाद चार पांच हफ्ता बीत गया तो पर्चा दर्ज हुआ, हाले तक उसे कार्रवाई कोई नहीं हुई। जथेदार दे एतराज अते विरोधियों दे सवालों तो बाद आखिरकार पंजाब पुलिस ने विवादित टिप्पणी करने वाले शिवसेना लीडर नूं गिरफ्तार कर लिया। गुरदासपुर पुलिस ने सख्त सुरक्षा इंतजाम कर हरविंदर सोनी नूं अदालत च पेश कीता। मुलजम नूं न्यायिक हिरासत च भेज दिता गया। हरविंदर सोनी नूं जिहड़ा पेश कीता कोर्ट दे विच, ते पुलिस रिमांड मंगिया गया सी, पर जज साहब वल्लों जिहड़ा जुडिशियल रिमांड कीता गया। हरविंदर सोनी की गिरफ्तारी तो हो गई है पर देरी नाल हुई कार्रवाई ते विरोधी धिरां मान सरकार नूं कोस रहियां ने। एको शिवसेना दा पता नहीं किहदा लीडर है जिहड़ा कहिंदा कि बाज आ जाओ नहीं तां श्री हरिमंदर साहब ते अटैक हो सकदा। पहली गल की उहदी लत्तां च इन्नी जान है कि उहो जी गल कर कह सकदा, हिम्मत है उहदे च। निहंग सिंह जथेबंदियां नूं धरने लाने पए, महाधरने तो बाद चार पांच हफ्ता बीत गया ते परचा दर्ज होया, हाले तक उत्ते कार्रवाई कोई नहीं। गुरदासपुर च शिवसेना लीडर हरविंदर सोनी ने विवादित टिप्पणी कीती सी, जिस ते निहंग सिंह जथेबंदियां ने धार्मिक भावनावां भड़काउण दे इल्जाम लाए ते कार्रवाई दी मंग कीती। 16 नवंबर नूं SSP दफ्तर बाहर धरना दिता, FIR दर्ज होण ते निहंग सिंघां ने धरना चुकिया। तो उस तो बाद भी जदों कार्रवाई ना होई तां श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सरकार तो सवाल कीते। विरोधियों ने भी सरकार घेरी, फिर किते जाके गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल दे मंत्री दी जेल दे अंदर मसाज करांदे होए वीडियो जदों सामने आई तां दिल्ली दीआं जेलां तो सवाल पहुंच गए पंजाब दीआं जेलां तक। पूरी खबर ब्रेक दिस पार। केजरीवाल दे मंत्री दी जदों जेल दे अंदर मसाज कराउंदे होए दी वीडियो सामने आई तां सवालां दे विच दिल्ली दी तिहाड़ जेल तां आई, पंजाब दीआं जेलां ते वी सवाल होए। विरोधियों ने मान सरकार नूं घेरिया, जेल मंत्री तो सवाल पुछे, हालांकि मान सरकार ने भी जवाब दित्ता। सिद्धू मूसे वाले दा जिहड़ा कातल सी लॉरेंस बिश्नोई, वह भी इसे दिल्ली की जेल के अंदर सीगा, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार की जेल आ। इतने बैठ के इस तरह की फैसिलिटीज इंजॉय करता सी। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। नॉनसेंस इज द मैन टॉकिंग, जस्टिफाई कर रहा, गलत काम नु जस्टिफिकेशन देखो, कहना उनु बीमार दस रहा। मालिश करांदा ते कहंदे इनु केड़े डॉक्टर ने दसे सानू कागज रखन, केड़े डॉक्टर ने। दिल्ली तो पंजाब जेल वाली मसाज ते हो गया बवाल। तिहाड़ जेल ते होए सवाला ने पंजाब दीआं जेलां दे बंदोबस्तां ते मान सरकार नु घेरा पवा दित्ता है। इस तो पहला के पंजाब दे विवाद दिखाइए, पहला दिल्ली दी तिहाड़ जेल दीआं तस्वीरां देखो। वीडियो च केजरीवाल दे मंत्री सतेंद्र जैन फुट मसाज करवा रहे ने, इसलिए हुण बीजेपी ते अकाली दल जेल अंदर सतेंद्र जैन नूं VIP ट्रीटमेंट मिलन दे इल्जाम ला रहे ने। दावा कीता गया है कि तिहाड़ जेल दे सेल नंबर 4 ब्लॉक A दा CCTV फुटेज है।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਡੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਤਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਪਰ ਉਤਰ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ, ਉਸਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਕੇ ਇਲਾਜ ਕਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸਕੋ ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਜ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕਭੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਤਨੀ ਨੀਚਤਾ ਪਰ ਉਤਰੀ ਹੋਗੀ, ਇਤਨੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤੋਂ ਪਰ ਉਤਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੋ, ਕਿਸੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਸਕੇ ਇਲਾਜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ। ਵਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਟਾਕਿੰਗ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਛੋੜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਤਿਹਾੜ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੈਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ, ਜਦੋਂ CBI ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,81,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਲਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੋਨਸ ਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਟੂ ਨਵੰਬਰ ਫੋਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2500 ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਪਰ 2-4 ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦ ਬਕ ਸਟੋਪਸ ਕੌਣ? ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ, ਨੈਕਸਿਸ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ VVIP ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ VVIP, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗ ਲਓ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗ ਲਊਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਲੋਕ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖੇਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
तक जैमर्स नहीं लगते या जदों तक थ्रोज नहीं रुकते जदों तक बॉडी स्कैनर नहीं आते मोबाइल आएंगे जी जेलों च साडा काम मेरा बतौर मंत्री दे कोल मेरे कोल की है जी मैं सख्ती कर सकना मैं कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी जेल में मोबाइल मुक्त हो गया मैं कभी भी थानू ये नहीं कहा मैं जरूर कहना कि जेल च मोबाइल आ जाऊगा चलूगा नहीं विरोधियों के इल्जामों नूं आम आदमी पार्टी सियासी खैबाजी कह सकती है पर दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरह पंजाब दियां जेलां में जुर्म की जड़ ने इस तो इनकार नहीं किया जा सकता टीवी माध्यम के जरिए भारत दे विच तुहाडे रूबरू होया एबीपी सांझा नूं पूरा एक साल हो गया इस साल के अंदर एबीपी सांझा नूं दर्शकों ने भरपूर प्यार दिता है एबीपी सांझा तुहानूं भरोसा दवाउंदा है कि पंजाबियों अते पंजाबियत दे लई एबीपी सांझा हमेशा सही अते सच्ची खबर दिखाउंदा रहेगा ते एबीपी सांझा नूं दर्शक हमेशा की तरह प्यार दिंदे रहणगे इसे नाल मैनूं दिओ इजाजत पर देश दुनिया ते पंजाब की हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो एबीपी सांझा।